और बड़ी खबर पुतिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात से जुड़ी हुई। देखिए, यूक्रेनी वार्ताकार माइखाइलो पोडोलियाक ने एक बड़ा बयान दिया है। रूस को हराने के बाद ही अब पुतिन से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, ये कह रहे हैं यूक्रेन के वार्ताकार। पूर्वी यूक्रेन में रूस को हराने के बाद ही पुतिन से मुलाकात संभव है। यूक्रेन की जीत के बाद ही अब पुतिन से मुलाकात संभव, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। चौबीस फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का हुक्म दिया था। आज 10 अप्रैल है, 46 दिन से इसी तरह यूक्रेन का हर कोना रूसी मिसाइलों की धमक से तहल रहा है। खार्किव खाक हो गया है, कीव करहा रहा है, मारियोपोल मटिया मेट हो चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके की जंग लंबी होगी, लिहाजा हर यूक्रेनी इसके लिए तैयार रहे। डोनबास में मची तबाही के बीच ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यहाँ भीषण संघर्ष होगा, यूक्रेन की जीत होगी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जंग हो या बातचीत, यूक्रेन हर हाल में तैयार है। इस बीच यूक्रेनी वार्ताकार माइखाइलो पोडोलियाक ने बताया कि रूस को हराने के बाद ही ज़ेलेंस्की करेंगे पुतिन से मुलाकात। पूर्वी यूक्रेन में हराने के बाद ही पुतिन से मुलाकात, यूक्रेन की जीत के बाद ही पुतिन से मुलाकात संभव। ज़ेलेंस्की की ये नई मुनादी क्या ब्रिटेन के पीएम जॉनसन से हुई मुलाकात का असर है? क्योंकि इस मुलाकात के बहाने यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य हथियार भेजे गए हैं। तो वहीं रूस की फौज पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बड़ा दावा सामने आया है। रूस कर रहा है ट्रांसनिस्ट्रिया से युवाओं की भर्ती। यूक्रेन के दोस्त मोल्डोवा का हिस्सा है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक चलाते हैं समानांतर सरकार। ब्रिटेन ने किया रूसी फौज में जवानों की कमी का इशारा। क्या यूक्रेन से जंग के लिए रूस के पास जवान कम पड़ गए? क्या यूक्रेन की मार ने रूस को इतना बेबस कर दिया कि वो अब भाड़े के सैनिकों के भरोसे जंग लड़ने वाला है? ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दावों पर भरोसा करे तो ऐसा ही होने वाला है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस अपनी फौज में मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया के युवाओं की भर्ती कर रहा है। सवाल ये है कि नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा मोल्डोवा ऐसा क्यों होने देगा? दरअसल ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन से लगती सीमा पर है। दुनिया इसे मोल्डोवा का हिस्सा मानती है, लेकिन सच यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया एक आजाद देश की तरह काम करता है। यहाँ अलग सरकार, अलग संसद और अलग सेना है। शांति सेना के नाम पर यहाँ रूस के 2000 जवान भी तैनात हैं, और ये पूरा इलाका रूस समर्थकों का गढ़ है। यही वजह है कि रूस को यहाँ से यूक्रेन से लड़ने के लिए सस्ते और ज्यादा सैनिक मिलने की उम्मीद है। वैसे जवानों की कमी पूरी करने के लिए रूस रिटायर हो चुके सैनिकों की भी भर्ती कर रहा है। यूक्रेन से जंग में रूस बढ़त के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन हालात बताते हैं कि हकीकत दावों से बिल्कुल अलग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।